वहीं राजनांदगांव की खुज्जी विधानसभा के पूर्व विधायक छन्नी साहू अपने क्षेत्र के लोगों के साथ बड़ी संख्या में जिला कार्यालय पहुंची। कलेक्टर से मिलकर पूर्व विधायक ने ग्राम जॉब तक बने अधूरे सड़क निर्माण को पूरा करने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि पूर्व विधायक का ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने एक साल हो चुके हैं, लेकिन विकास वनांचल क्षेत्र में ठप्प पड़ा हुआ है। वहीं कांग्रेस की सरकार रहते जो उप सड़क निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृत हो गई थी, और पूर्व विधायक ने ये कहा कि यदि जर्जर सड़क का निर्माण जल्द शुरू नहीं किया गया तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। खुज्जी विधानसभा के मरकरकसा से जो वाले रोड हैं, जिकर कांग्रेस सरकार में प्रशासनिक स्वीकृति हो चुकी से और टेंडर ओपन भी हो गए। ओपन होने के बाद अभिकर मन की पारी आगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो बहुत महत्वपूर्ण रोड है मरकरकसा से जो जहाँ आईटीबीपी केम है, थाना है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, हाई स्कूल है, और बहुत ही जर्जर स्थिति वहाँ। बारिश के दिन में तो बच्चा मन साइकिल से भी ना जा सके, ना तो वहाँ जो प्रसव पीड़ा जो महिला मल्ल होते हैं वहाँ भी बहुत तकलीफ होती है। तो ऐसा रोड ला रोकना नहीं चाहिए। जब हमारे सरकार में 20/8/2023 में प्रशासनिक स्वीकृति होके आदेश भी दे, लेकिन जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये मन नहीं चाहे कि जो वनांचल क्षेत्र के हमार महिला मन वनांचल क्षेत्र में रही है, मन अच्छा रोड में चले, रोड में अच्छा चल के हमारे लड़का मन भी अच्छा शिक्षा अध्ययन करे। निश्चित रूप से जो महत्वपूर्ण जो रोड है, अगर 15 दिन 20 दिन एक महीना के अंदर, मैं तो कही हूँ एक महीना, चले एक महीना समय देता हूँ, एक महीना के अंदर नहीं करी तो कहते ना कि महिला बिलोथन तो घी निकाले पर अगर टेढ़ा सीधा उंगली में घी नहीं निकले तो टेढ़ा करना पड़ते। तो अगर रोड नहीं बनी तो पूरा जनता पूरा एक साथ मिलकर हम आंदोलन करो।